भारतवर्ष में स्थापत्य कला का हमें अनेकों उदाहरण देखने को मिलता है। स्थापत्य कला की बात करें तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार व कई प्रकार के स्थापत्य कला का हमें उदाहरण देखने को मिलता है। लेकिन नागौर के टांकला गांव के बलदेव राम प्रजापत द्वारा बनाए गए 2 फीट के मकान तथा 6 फीट के पानी की टंकी का एक स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण देखने को मिलता है। दरअसल ये कार्य कोरोना काल के समय इन्होंने किया था, उसके बाद बलदेव राम प्रजापत का आकस्मिक निधन हो गया, लेकिन आज भी उनके द्वारा बनाया गया घर और टंकी दोनों लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलदेव राम की। इन्होंने अपने हुनर के दम पर 3 प्रकार की सामग्री बनाई, जिसमें पानी की टंकी 6 फीट की, 2 फीट का मकान व 1 झोपड़ी बनाई। ये देखने में बिल्कुल सुंदर दिखाई देते हैं तथा 2 फीट का मकान लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वहीं 2 फीट की झोपड़ी भी बनाई है। बलदेव राम के पिताजी दयाल राम प्रजापत बताते हैं कि ये कार्य उन्होंने खुद के दिमाग से किया, किसी को अपना गुरु नहीं माना, वह खुद ही करता गया। जिसके बाद इन्होंने लगातार मेहनत करने पर 5 महीनों का समय लगा, जिसके बाद ये टंकी, मकान तथा झोंपड़ी को तैयार किया गया। झोंपड़ी वर्तमान समय में नहीं है, वर्तमान समय में केवल टंकी व मकान ही है। धीरे धीरे बनाया 2-3 साल, 5 महीनों बनाया वो 3 साल पूरा जो हो धीरे धीरे तो आप माइंड खाली दिमाग। मकान बनाने में कितना टाइम लागो? धीरे लागा 3-4 महीने बराबर। टंकी बनाने में खास लागा 3-4 महीना लागा। सब बातों करिए कहा हो भी बारे में बताओ देगा वो हम गए जंबीर मन नहीं रहेगी खाली तार टूट गो थम ले रहा हूँ ऊपरू निनान करे हो सुबह शानी गा बाड़े हो तार टूट गो दी बजे पस थे सरकार था क्लेम करी और कि मिली शायद तरह से नहीं मिली की वाल नहीं भी वाल था डॉक्यूमेंट बहुत तो आया वे ताने अजमेर लाइट में एक मार देखो नहीं आतो आते आ गया 15-20 दिन कितना डॉक्यूमेंट लेने के बाद में कितना समय होगा? अब देखो नहीं 12 महीने ऊपर या 13 महीने लग गए क्लेम आउनगी जुड़े क्लेम मलेम की मिली कौन कुछ नहीं मिली। अच्छा आपको नाम दियाल जी किस गांव में? गांव टांकला।